आपको बता दें कि मणिपुर में आतंकी हमले का शिकार हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी के जन्म के समय उनका पूरा परिवार गांजा चौक में निवास करता था। ऐसे में वीर की शहादत के बाद उस चौक का नाम कर्नल विप्लव त्रिपाठी के नाम किए जाने की मांग युवाओं ने की है। युवाओं का कहना है कि गांजा चौक एक प्रतिबंधित मादक पदार्थ के नाम पर है, जो कि अत्यंत अशोभनीय है। चूंकि कर्नल विप्लव का जन्म यही हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम परिवर्तित कर शहीद विप्लव चौक किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके परिवार सहित दिए गए बलिदान को याद कर सके और उससे प्रेरणा ले सके। महापौर जानकी काटजू ने युवाओं की मांग को MIC के समक्ष रखने और इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि शहर के युवाओं की भावना देश प्रेम से भरी हुई है। गांजा चौक का नाम कर्नल विप्लव त्रिपाठी के नाम पर किए जाने से रायगढ़ सहित छत्तीसगढ़ के युवाओं में देश प्रेम के प्रति प्रेरणा एवं देश प्रेम का जज्बा जागृत होगा। युवा जो है आगे के हो, पुरानी बस्ती के हो कि रायगढ़ के हो, वो अपने निवास का नाम एक ऐसे शहीद के नाम से याद करें कि जिनसे एक प्रेरणा मिल सके आगे अच्छे काम करने की। तो हम लोग चाहते हैं कि शहीद विप्लव भैया के नाम से गांजा चौक का नामकरण हो। इसके लिए हमने महापौर को, सभापति और आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है और महापौर जी ने एकदम आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर नामकरण हो जाएगा। 15 दिन के अंदर हम लोग MIC में इस बात को रखकर आगे इस काम में आगे बढ़ेंगे और आगे स्मारक भी उनकी वहाँ लगाने की बात हुई है। शहीद विप्लव त्रिपाठी के नाम से रखा जाए और गांजा एक नशा है, उसी को देखते हुए वो लोग हटाकर दूसरा नाम रखने के लिए मांग किया गया है। इसमें आपका पूरा समर्थन है? हाँ, आज मेरे को जिस तरह से युवा समिति ने जो लेटर ज्ञापन दिया है, इसमें मैं समर्थन भी करती हूँ कि उन लोगों को सोच अच्छी है और हमारी भी सोच है कि हम जो शहीद हुए हमारे रायगढ़ के लाल, उसके जो कारण हम लोग सुरक्षित बैठे हैं, आज उन्हीं के देन हैं।